आपके यहाँ है ना, और नाभि से नीचे शिथिल होने वाली भी है, ऐसे अंदरूनी जो अंग हैं डैमेज हो रहे हैं काफ़ी। दरबार नियम पालन करो बेटा। माता जी को कैंसर है उनको दिखवा रहा है, सभी कुछ है वो, लेकिन इतनी सीरियस है कि खा नहीं पा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ रुकने का, लेकिन रुकने में मुझे तकलीफ लग रही है कि कैसे रुक पाएंगे, जूस पी रही है खाली। रुकने का है ही नहीं, असाध रोगी यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक आदमी रुक के अपना कार्यक्रम करे, असाध रोगी अपने घर में रखे, जो जिनको इमरजेंसी सुविधा चाहिए होती है, अचानक कोई समस्या हो तो अस्पताल मिल जाए तुरंत, जी घर पे ही रखना है। एक व्यक्ति कोई दरबार में आकर के अपनी प्रक्रिया पूरी करे, सब अच्छे होते हो, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, रोगी को घर पे रखें और क्या, यहाँ रखने क्या मतलब है, क्योंकि क्या पूरी मवाद वगैरह आ रही है, मतलब बहुत कुछ है बेटा, बोल रहे ना सब खराब खराब है, क्या क्या बोले हैं वहाँ, पूरा गला चोक हो गया उनका, खाना नहीं खा पा रहे बेटा, प्राण निकल रहे हैं उनके, क्यों बुलवा रहे हो। इतनी निवेदन कर दीजिए कि कुछ खाने लग जाए गुरु जी, हम कह रहे हैं कि आप दरबार नियम पालन को सुनी नहीं, मैं कर लूँगा, लेकिन इतना कर दीजिए वो खाना खाने लगे गुरु जी, थोड़ा कुछ जाने लगे, इतनी विनती आपसे। ऐसा नहीं होता है बेटा कि पहले ठीक हो जाए बाद में इलाज होगा, ऐसा नहीं, नहीं थोड़ी बहुत इतना कि मतलब थोड़ा बहुत नहीं होता, जितना करना था दरबार ने कर दिया, जब आपके पास एनर्जी नहीं है अभी हम निकाल देंगे यहीं मर जाएंगे बैठे बैठे, अभी हम एनर्जी निकाल देंगे गंदी जी वो यहीं मर जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा एक घंटा लगेगा मरने में उनको, आप जरा साइंस समझो बेटा, ये वो झाड़ फूक नहीं हो रही है जी, टोना टोटका करके बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पे जी, साइंस है, एनर्जी का मामला है, हम कुछ भी गंदगी निकालेंगे वो एनर्जी, वो भी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी सही है तो एनर्जी, आप निगेटिव एनर्जी से चल रहे हो, पता है आपको ये पूरी धरती के 90% आदमी निगेटिव एनर्जी के कारण जिंदा हैं, अगर सबकी निगेटिव एनर्जी निकाल दी जाए तो 75% आदमी मर जाएगा अपने आप, बचेगा ही नहीं, ठीक है गुरु जी। तो फिर उनको जैसे कैंसर होता है जी, तो डॉक्टर आपको ये नहीं कि तुरंत आपको सर्जरी कर दे, मर जाएगा आदमी, एनर्जी होनी चाहिए उसके लिए, व्यवस्था करता है, कीमो वीमो चढ़ाता है, कुछ ये करता है कुछ वो करता है, दुनिया भर की व्यवस्था बनाता था, महीने दो महीने करता ऑपरेशन करेंगे, तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत है जी, एक व्यवस्था पहले बनानी होती है उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, एक वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हो आपके पास एनर्जी होती है, प्रक्रिया पालन करने के बाद वो एनर्जी गंदी एनर्जी की जगह शिफ्ट होती जाती है, आप ठीक बने रहते हो, अच्छे बने रहते हो, अब आपके पास कुछ है ही नहीं गंदगी तो निकाल दी, हम आपके शरीर से गंदा खून निकाल दें, ठीक उठ नहीं पाओगे उसके पास से, तो जी खून तो निकल गया, गंदा हो जाए साफ हो जी, जी नहीं ठीक है, तो उनको घर पे जगह अच्छा खून डालने की व्यवस्था भी तो हो जी जी, ऐसे सूझ लगा था बेटा, तो आप क्या बहुत बुद्धियाँ जकड़ी हुई हैं, पूरा बात कैप्चर भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा संकट है, हर तरह का संकट है, ठीक है, दरबार के नियम पालन करते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, ये असाध्य रोग हैं जी जी, तमाम उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी माता जी की जीवन ही बहुत कम है, कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं है उनका जी, चलिए दरबार नियम पालन करो, बाकी और समस्याएं तो जाए, जो और रोगग्रस्त हो रहे हो तुम लोग, खुश हो।